दिन एक मालिक अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि जाओ बकरियों में से एक बकरी को ले जाओ, काट कर उसके जिस्म का सबसे बेहतर और अच्छा हिस्सा मेरे पास लेकर आओ। वो नौकर जाता है, वो बकरी को काट कर उसके जिस्म से जबान निकाल कर ला कर मालिक को दे देता है और कहता है लो मालिक ये बकरी का सबसे कीमती और अच्छा हिस्सा है। कुछ दिनों बाद मालिक वापस से उसी नौकर को बुलाता है और कहता है कि जाओ बकरी को ले जाओ, इसे काट कर इसके जिस्म का सबसे खराब हिस्सा लेकर मेरे पास आओ। वो नौकर दोबारा जाता है, बकरी को काट कर जबान को लेकर वापस आता है और कहता है लीजिए मालिक ये बकरी के जिस्म का सबसे खराब हिस्सा है। मालिक सोच में पड़ जाता है, अरे ये क्या है, जब मैंने सबसे अच्छा हिस्सा कहा तब भी तुमने जबान ला कर दी और आज जबकि मैंने तुम्हें सबसे खराब हिस्सा कहा तब भी तुमने जबान ला कर दी, ऐसा क्यों? वो नौकर कहता है कि अगर हम अपनी जबान का सही से इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेहतर कोई हिस्सा हमारे जिस्म का नहीं, और अगर यही जबान का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो इससे खराब भी कोई हिस्सा नहीं। हजरत अली ने क्या खूब फरमाया है कि लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, बोलने के पहले बोलने के बाद इंसान लफ्जों का गुलाम हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई इंसान के पास करोड़ों रुपए हैं, उसकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन अगर उसकी जबान खराब है, जबान कड़क है, वो बात बात में गालियां निकालता है, लोगों को डांटता है, बदतमीजी करता है, तो ऐसे इंसान को लोग पसंद नहीं करते। लेकिन कोई इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो लोगों से प्यार से बात करता है, अच्छे से बात करता है, लोगों को रिस्पेक्ट देता है, तो वो इंसान लोगों को पसंद आता है, लोग उसके पास ज़्यादा जाना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये ज़बान हमारी हमें आसमान तक भी ले जा सकती है, और अगर सही से इस्तेमाल नहीं करो तो ये ज़मीन पर हमें ला कर फेंक देती है। ये ज़बान ही है इसलिए लोगों के सामने अच्छा बनाती है, और ये ज़बान ही है जो हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करती है, बुरा बनाती है। इस ज़बान से अगर आपने सच कहा, हक कहा, अच्छी बातें कही तो लोग आपके करीब आएंगे, लेकिन ये ज़बान से आपने झूठ बोला, लोगों की बुराई करी और लोगों को धोखा दिया तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। ये ज़बान का सही इस्तेमाल आपको ज़िंदगी में भी इज्जत देगा और ज़िंदगी के बाद मरने के बाद भी आपको इज्जत देगा। इसके लिए कहा गया है कि कम बोलो, अच्छा बोलो, सच्चा बोलो। शुक्रिया।